हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजय उमंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप ड्रीम इलेवन खेलना नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें टीम बनाना है और कैसे ढेर सारा पैसा अर्न करना है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है ड्रीम इलेवन, और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे प्ले लिख करके आ जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला मिलेगा इनवाइट बाय ए फ्रेंड और दूसरा लॉगिन का। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो इनवाइट बाय ए फ्रेंड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऊपर सबसे रेफरल कोड मांगेगा, तो आपको रेफरल कोड दे देना है। रेफरल कोड अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर यह दिख रहा है, आप यहाँ पर ये रेफरल कोड डाल सकते हैं। रेफरल कोड डालने के बाद उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपका 18 साल या उससे अधिक एज है तो आप यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी आ गया है, और ये ओटीपी ऑटोमेटिक ले लिया है। और लेने के बाद दोस्तों, आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे आपका नाम डालने के लिए पूछेगा, तो आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पर डालेंगे, और नाम डालने के बाद आपको यहाँ से सेव नेम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट अपना नाम लिखते हैं और सेव नेम पे क्लिक कर देते हैं। सेव नेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा, आप किस लैंग्वेज में इसको चलाना चाहते हैं। तो आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिस लैंग्वेज में आप चलाना चाहते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जितने भी मैच होने वाले हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें टाइम शो करेगा कि कौन सा मैच कितने देर में होने वाला है। तो इसमें आप किसी में भी आप इस पर मैच लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 घंटे 10 मिनट बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो हम इसी में टीम बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो उसमें टीम बनाने के लिए सिंपली उसी पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट का प्राइज दिखाई देगा। तो इसमें ढेर सारे कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देंगे, कितने कितने के कॉन्टेस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49 रुपये का कॉन्टेस्ट हमें 12 रुपये में मिल रहा है, उसके नीचे 39 वाला हमें 9 रुपये में मिल रहा है, 125 वाला हमें 31 में मिल रहा है। तो आप जो कॉन्टेस्ट इसमें से जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 49 रुपये का जो 12 रुपये में मिल रहा है, हम इसी को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये डिस्काउंट हमें क्यों मिल रहा है कि जब हम नया अकाउंट बनाते हैं तो हमें 500 रुपये का कैश बोनस मिलता है, उसी 500 रुपये में से ये डिस्काउंट हुआ है। तो हम 12 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम 12 वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब हमारे अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके पास मौजूद हो आप उससे इस वेरिफिकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी आधार कार्ड है, तो हम अपने आधार कार्ड से इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर आधार नंबर पर टिक है, उस पर हमको टिक रहने देना है, और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा कि अगर आपका प्लेयर 1 रन मारता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे, 1 विकेट लेता है तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 1 कैच लेता है तो उसके 8 पॉइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से अपने पॉइंट को आप काउंट कर सकते हैं, और आपके उसमें लिस्ट में दिखाएगा भी। और टीम को बनाने के लिए आपको क्रिएट टीम पर सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपको दोनों टीमों के जो भी विकेट कीपर हैं उनका जो है यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो गया है, तो आपको विकेट कीपर चुन लेना है। 1, 2 या उससे अधिक अगर हैं तो आप उनको चुन सकते हैं। विकेट कीपर चुन लेने के बाद आपको बैट्समैन चुनना है। बैट्समैन चुनने के लिए यहाँ पे आपको बैट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने बैट्समैन चुन लेंगे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन प्लेयर कैसा खेलता है, इसकी जानकारी रहेगी तो आप अच्छा टीम बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी बैट्समैन आप चुनना चाहते हैं यहाँ से चुन सकते हैं। बैट्समैन चुनने
के बाद आपको ऑलराउंडर चुनना होगा। ऑलराउंडर चुनने के लिए यहाँ पे ऑलराउंडर पे क्लिक करेंगे और इसमें ऑलराउंडर जो भी आपको लगे कि ये ठीक आज खेल सकता है तो उन ऑलराउंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ऑलराउंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि बॉलर चुनना है। बॉलर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बॉलर आपको ठीक लगे आप अपने बॉलर को यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से अपने बॉलर्स को यहाँ से चुन लेते हैं। और बॉलर चुनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना है। आपको अपनी मर्ज़ी से आप किसी को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। कैप्टन को आपको डबल पॉइंट मिलेंगे और वाइस कैप्टन को डेढ़ गुना पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि अगर आपका कैप्टन आप 100 पॉइंट बनाता है तो यहाँ पे उसके पॉइंट को दो गुना कर दिया जाएगा। अगर 100 पॉइंट मारता है तो उसके 200 पॉइंट कर दिए जाएंगे। अगर और वाइस कैप्टन अगर 100 पॉइंट मारता है तो उसके 150 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पैसे ऐड करने के लिए कहेगा, तो आप अपने गूगल पे फ़ोनपे से इस पैसे को यहाँ से ऐड कर लेंगे। इस तो मैं अपने बैलेंस को इसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो गया है, ट्रांजेक्शन होते समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन नहीं आ रहा है, ब्लैक हो गया है। तो फ़ोनपे गूगल पे या डेबिट कार्ड आप किसी से भी आप इसमें पेमेंट ऐड करेंगे बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कॉन्टेस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है और ये 12 रुपये हमें इसमें ऐड करने पड़े हैं इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो गया। यहाँ पर हमसे ये ईमेल मांग रहा है तो हमें अपना एक ईमेल इसमें डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अकाउंट बनके कंप्लीट हो गया है, टीम भी लग चुका है और हमारा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद इसका स्टेटस देखने के लिए माई मैच पे क्लिक करेंगे। माई मैच पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो मैच आप लगाए होंगे अपकमिंग में यहाँ पे शो होगा। जब ये मैच लाइव चलने लगेगा तो यहाँ जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये मैच यहाँ पे लाइव में दिखाने लगेगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीट में ये आपका शो करेगा। तो हमारा ये अपकमिंग है, इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। आप किसी प्लेयर को हटाना चाहते हैं, दूसरा लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम गोइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी टीम देखने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी टीम यहाँ पे दिख जाएगी। जिन जिन को आपने चूज किया है उनका यहाँ पे पूरा ग्राफ दिख जाएगा जिसमें आपका प्लेयर दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने टीम में कोई करेक्शन करना चाहते हैं कि यार मैंने उस प्लेयर को गलत चुन लिया, उसकी जगह पे हमें उसको लेना चाहिए था, तो आप कोई भी करेक्शन इसमें आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आपको आइकन दिख रहा है, आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टीम को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एडिट करके दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने पेंसिल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप जिसको लेना चाहें ले सकते हैं, जिसको हटाना चाहें हटा सकते हैं। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि मैच शुरू होने के 15 मिनट पहले आपको एक बार अपने टीम को चेक कर लेना है। उसके बाद लाइनअप आउट होता है और जिस प्लेयर के आगे अनाउंसेड लिखा होगा वही प्लेयर खेलते हैं और उन्हीं प्लेयर को आपको चूज करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मैच शुरू होने के 15 मिनट पहले आपको अपने टीम को एडिट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपने टीम को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि इसमें अगर आप पैसे जीतते हैं तो आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे। मैं पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में डिटेल में दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।